इस वीडियो में मैं आप सबके साथ अपने टॉप 3 ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स शेयर करने वाला हूँ जो मैंने इन पिछले 5 सालों में सीखे हैं। ये ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हर किसी इंडिविजुअल को अप्लाई करेंगे जो अपनी फिजिक चेंज करना चाहता है और मसल मास बिल्ड करना चाहता है। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत सारे महीनों के लिए या सालों के लिए कोई प्रोग्रेस नहीं बना रहे हो तो ये वीडियो आपको एक स्टेप पीछे आकर अपनी ट्रेनिंग को कुछ कोर प्रिंसिपल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने में मदद करेगा और आप खुद को कुछ इंपॉर्टेंट सवाल पूछोगे विच विल हेल्प यू मूव फॉरवर्ड। चाहे आप फुल बॉडी वर्कआउट्स लगाते हो या लेग्स पुश पुल फॉलो करते हो, ये प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल है और किसी भी टाइप के ट्रेनिंग स्प्लिट को अप्लाई करते हैं। अगर आप इस चैनल पे हो तो सबसे पहले जाके नीचे सब्सक्राइब बटन दबाना ताकि आप कोई फ्यूचर वीडियो मिस ना करें। डिस्क्लेमर, मैं एक कोच या सर्टिफाइड प्रोफेशनल नहीं हूं। इस वीडियो में मैं जो भी चीजें एक्सप्लेन करूंगा कम प्योरली फ्रॉम एक्सपीरियंस। जब एक कंप्लीट फिजिक बिल्ड करने की बात आती है तो इट्स इंपॉर्टेंट टू ट्रेन स्मार्ट। चाहे आप फुल बॉडी वर्कआउट्स लगा रहे हो, अपर लोअर फॉलो कर रहे हो या लेग्स पुश पुल फॉलो कर रहे हो, सबसे ज्यादा मसल मास पुट ऑन करने के लिए बेसिक्स हमेशा काम आएंगे। हमारी मेजॉरिटी गेन्स बेसिक मूवमेंट पैटर्न्स लगाने से आने वाले हैं। हाँ, हम डायरेक्टली हमारे बॉडी के सारे मसल ग्रुप्स को बेसिक्स का इस्तेमाल करने से टारगेट नहीं कर सकते, पर अगर आप कंसिस्टेंटली 3 या 4 सालों के लिए सिर्फ बेसिक्स पे प्रोग्रेस करोगे, ट्रस्ट मी यू विल बी प्रिटी हैप्पी विद योर फिजिक। हमारे पूरे फिजिक को ट्रेन करने के लिए मेजरली 6 मूवमेंट पैटर्न्स होते हैं। अपर बॉडी के लिए 4 और लोअर बॉडी के लिए 2। एक वर्टिकल पुश और पुल, एक हॉरिजॉन्टल पुश और पुल, एक स्क्वाट पैटर्न और एक हिप हिंज। लेट मी से दैट अगेन। एक वर्टिकल पुश, एक वर्टिकल पुल, एक हॉरिजॉन्टल पुश, एक हॉरिजॉन्टल पुल, एक स्क्वाट पैटर्न और एक हिप हिंज। हम जिम में जो भी कंपाउंड मूवमेंट्स लगाते हैं वो इन 6 मूवमेंट पैटर्न्स के ग्रुप्स में आते हैं। चाहे मैं कोई भी ट्रेनिंग स्प्लिट या कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉलो कर रहा हूँ, मैं हमेशा वो एक्सरसाइजेस चूज करता हूँ जो इन 6 मूवमेंट पैटर्न्स में आते हैं। पहली स्टेप जो हम ले सकते हैं वो है कि इन 6 कैटेगरीज में से हर कैटेगरी की एक एक्सरसाइज पिक करना। एक्सरसाइजेस चूज करते वक्त मैं खुद को कुछ सवाल पूछता हूँ। क्या ये एक्सरसाइज सेफ है? क्या ये एक्सरसाइज मेरे जॉइंट्स को डैमेज करती है? क्या इस एक्सरसाइज पे मैं सेफली फेलियर तक या फेलियर के करीब जा सकता हूँ? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या ये एक्सरसाइज करते वक्त मुझे मजा आता है? ताकि आपको मेरी ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा सा ज्यादा पर्सपेक्टिव आए, मेरे करंट फेवरेट एक्सरसाइजेस है ये। हॉरिजॉन्टल पुश के लिए मैं चुनता हूँ स्मिथ मशीन प्रेस, हॉरिजॉन्टल पुल के लिए मशीन रो, वर्टिकल पुल के लिए लैट पुल डाउन की मशीन, वर्टिकल पुश के लिए हाई इंक्लाइन डंबल प्रेस, स्क्वाट पैटर्न के लिए लेग प्रेस और हिप हिंज के लिए रोमेनियन डेडलिफ्ट। इन 6 कैटेगरीज में से ऐसे एक्सरसाइजेस चूज करो जिन्हें करने में आपको जेन्युइनली मजा आता है, क्योंकि अगर आप कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी ट्रेनिंग प्लान एंजॉय करोगे, बहुत हाई चांसेस है कि आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा और आप ऑटोमेटिकली कंसिस्टेंट रहोगे। प्रॉब्लम तब आता है जब लोग एक ही कैटेगरी में आने वाले बहुत सारे एक्सरसाइजेस चूज करते हैं, विच इज वेरी अननेसेसरी। मैंने खुद पास्ट में ये गलती की है। फॉर एग्जाम्पल, लेग डेज पे मैं हैक स्क्वाट, लेग प्रेस, बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट, बारबेल स्क्वाट, ये सारे मूवमेंट्स एक ही दिन पे लगाता था। फुल डेज पे अपनी बैक को ट्रेन करते वक्त मैं सेम दिन पे मशीन रो, केबल रो और डंबल रो चुनता था। हाँ, अगर आपको एक ब्रो बॉडी बिल्डर की तरह ट्रेन करना पसंद है तो गो अहेड, पर अगर तब मेरे पास आज जितना नॉलेज होता और एक्सपीरियंस होता तो मैं डेफिनेटली अपनी ट्रेनिंग को एक थोड़े से स्मार्टर तरीके में अप्रोच करता। एक एग्जांपल देने के लिए, अगर मैं एक पुश डे ट्रेन कर रहा हूं यानी चेस्ट, शोल्डर्स और ट्राइसेप्स, तो अपने मेन कंपाउंड मूवमेंट्स के लिए मैं एक हॉरिजॉन्टल प्रेस और एक वर्टिकल प्रेस चूज करूंगा। इन 2 बड़े कंपाउंड बेसिक मूवमेंट पैटर्न से मेरे चेस्ट को और मेरे शोल्डर्स को एक अच्छा हैवी स्टिम्यूलस मिल रहा है। इन बेसिक मूवमेंट पैटर्न्स की कैटेगरी से सिर्फ एक एक्सरसाइज पिक करने से मैं इंश्योर करता हूँ कि मैं एडिशनल फटीग जनरेट नहीं कर रहा। इससे चीजें थोड़ी बहुत सिंप्लीफाई होती है एंड आई इंश्योर कि मुझे बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। अगर मुझे पता है कि मुझे एक पुश डे पे मेन कंपाउंड मूवमेंट के लिए सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल प्रेस और एक वर्टिकल प्रेस लगाना है, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि उस वर्कआउट में मेरी जो एनर्जी और मेरा जो फोकस होगा वो बहुत ही ज्यादा हाई रहेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि उन 2 कंपाउंड मूवमेंट्स पे मैं अपना 100% दूंगा और प्रोग्रेस करने की कोशिश करूंगा। इससे जंक वॉल्यूम भी मिनिमाइज होता है। तो ज्यादा ट्रेन करना हमेशा बेहतर नहीं होता। एक ही ग्रुप से 10 एक्सरसाइजेस चुनने के बजाय एक स्टेप पीछे आओ, लुक एट द बिग पिक्चर एंड ट्रेन स्मार्टर। बेसिक्स हमेशा काम करेंगे। चाहे आप डंबल्स, बारबेल्स या मशीन्स इस्तेमाल करते हो, ये जो 6 बेसिक मूवमेंट पैटर्न्स है
वो हर ट्रेनिंग डे का बेस होते हैं और वो हमारा फाउंडेशन होना चाहिए। सो एक क्विक स्नैक के लिए या एक गिल्ट फ्री स्वीट क्रेविंग के लिए मसल ब्लेज ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो ऑनेस्टली अब तक का मेरा फेवरेट न्यू लॉन्च है। ये है उनका नया प्रोटीन बार जो कुकीज़ एंड क्रीम फ्लेवर में आता है। ये दो वेरियंट्स में आता है, 20 ग्राम या 10 ग्राम के बॉक्स में। अगर आप कुकीज़ एंड क्रीम आइसक्रीम के फ़ैन हो तो आपको ये डेफिनेटली पसंद आएगा। बहुत ही इजी टू कैरी है, आप इसे प्री वर्कआउट मील के तौर पे ले सकते हो या मेरे जैसे ट्रैवल करते वक्त इसे अपने बैग में बहुत आसानी से रख सकते हो। ऑल्सो इसके साथ साथ एक और अनाउंसमेंट है, 21 से लेके 23 फेब को मसल ब्लेज की फिट फूड सेल लाइव होने वाली है जहाँ पर आपको मोस्ट ऑर्डर्स पे 50% डिस्काउंट्स मिल सकते हैं और फ्रीबीज के तौर पे प्रोटीन ओट्स म्यूसली जैसे अलग अलग प्रोडक्ट्स भी। तो इसकी लिंक और सेल की लिंक मैं दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आप चेकआउट पे मेरा डिस्काउंट कोड साकेत30 इस्तेमाल करोगे तो आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। नाउ बैक टू द वीडियो। बॉडी बिल्डिंग ये जो चीज है ना, इसके साथ मेन प्रॉब्लम पता है क्या है, मसल ग्रोथ ये जो चीज होती है ना वो एक इतनी स्लो प्रोसेस होती है कि हमें डे बाय डे कोई विजुअल चेंजेस नहीं दिखने वाले। ऑन दी अदर हैंड फैट लॉस थोड़ा सा अलग है। मसल ग्रोथ के कंपैरिजन में फैट लॉस की जो गति होती है वो थोड़ी सी ज्यादा फास्ट होती है, बहुत फास्ट नहीं बट कंपैरेटिवली फास्टर। मसल ग्रोथ के साथ इशू अक्सर ये रहता है कि क्योंकि हमें प्रोग्रेस दिख नहीं रहा, हमें लगता है कि हम प्रोग्रेस बना नहीं रहे। इससे हमारा जो ट्रेनिंग मोटिवेशन है वो कम हो जाता है और हमें कॉन्स्टेंटली ऐसा लगता है कि हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम बदलने से या एक्सरसाइजेस बदलने से हमें वापस क्विक ग्रोथ मिलेगी। अब देखो, एज ह्यूमन बीइंग्स वी लव सीइंग प्रोग्रेस। प्रोग्रेस एक बहुत ही मोटिवेटिंग चीज होती है और वो हमें आगे की ओर पुश करती है। विथ मसल ग्रोथ बीइंग एक्सट्रीमली स्लो, मुझे एक ऐसा टूल मिला है जो मैं हर रोज अपने ट्रेनिंग में इस्तेमाल करता हूँ ताकि मैं पूरे साल ड्रिवन और मोटिवेटेड रहूं। क्वांटिफाइंग माय ट्रेनिंग प्रोग्रेस, आप इसे प्रोग्रेसिव ओवरलोड बुला सकते हो, आप इसे वर्कआउट्स ट्रैक करना बुला सकते हो, कॉल इट व्हाटएवर यू वांट। अगर हमें ट्रेनिंग के बारे में एक चीज पता है तो वो ये है कि साइज और स्ट्रेंथ को हम सेपरेट नहीं कर सकते। और जब मैं स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ, मैं 1 रेप मैक्सेस की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं 6 से 20 की जो रेप रेंज है उसमें अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के बारे में बात कर रहा हूँ। बिगिनर फेज क्रॉस करने के बाद और एक्सरसाइजेस की सही टेक्निक सीखने के बाद मैं कॉन्फिडेंटली ये कह सकता हूँ कि इस रेप रेंज में अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने से मसल मास गारंटीड बढ़ेगा। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। मुझे करंटली सचमुच दिल से अपने चेस्ट को ग्रो करना है, मतलब पूरी फिजिक ग्रो करनी है पर इन पर्टिकुलर द चेस्ट। मैं इस वक्त पे अपने हॉरिजॉन्टल पुश पे 95 kgs बेंच कर रहा हूँ 3 sets 10 reps के लिए। जैसे मैंने कहा, हम स्ट्रेंथ और साइज को सेपरेट नहीं कर सकते। मैं फुल्ली कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर मैं उस 95 kg बेंच को 110 केजी तक लेके जाता हूँ फॉर 3 sets of 10 reps तो मेरा चेस्ट साइज में एक्सप्लोड करेगा ही करेगा। हाँ, मुझे मे बी एक हफ्ते के बाद अपने चेस्ट में कोई विजिबल चेंजेस नहीं दिखेंगे, मे बी 3 हफ्ते के बाद भी नहीं दिखेंगे, पर मैं कॉन्फिडेंटली ये कह सकता हूँ कि अगर मेरे बेंच प्रेस के जो नंबर्स है वो धीरे धीरे हर वर्कआउट के बाद ऊपर जा रहा है और मैं हर वर्कआउट में अपने पिछले टाइम का परफॉर्मेंस 1 या 2 रेप से बीट कर रहा हूँ, देन माई चेस्ट इज गेटिंग बिगर। इससे मुझे पूरे प्रोसेस को ट्रस्ट करने का कॉन्फिडेंस मिलता है और मैं विश्वास रख सकता हूँ कि इवन दो मुझे विजिबल चेंजेस नहीं दिख रहा है, मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। द मेन रीजन कि मैंने 2022 साल में इतने अच्छे गेन्स बनाए इज बिकॉज मैंने हर एक वर्कआउट ट्रैक किया, चाहे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, चाहे मैं अपने होम जिम में ट्रेन कर रहा हूँ, चाहे मैं नीचे वर्कआउट लगा रहा हूँ। ये जो आईफोन है ना, इस आईफोन के नोट्स ऐप में हर एक ट्रेनिंग सेशन है। अगर मैं अपने ट्रेनिंग लॉग में जाऊंगा और पूरी तरह से ऊपर स्क्रॉल करूंगा, देयर यू गो, जनवरी, मैंने जैन से लेके दिसंबर तक हर एक ट्रेनिंग सेशन ट्रैक किया है और मेरी जो स्ट्रेंथ है इट हैज स्काईरॉकेटेड। 2022 साल के शुरुआत में मेरा लैट पुल डाउन था 68 kg विच इज पथेटिक और 2022 का जो लास्ट वर्कआउट था 100+। मेरे बैक को क्या हुआ, एक्सप्लोडेड इन साइज। मैंने एक ऐसी रेप रेंज चूज की जो मुझे करने में मजा आता है और जिसमें सेफ्टी एंश्योर होती है। मेरे लिए कंपाउंड मूवमेंट्स के लिए वो रेप रेंज थी 6 to 10 reps और कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। हमने पहले पॉइंट में जो भी बेसिक मूवमेंट पैटर्न्स डिस्कस किए थे उन मूवमेंट पैटर्न्स में से एक एक्सरसाइज पर कैटेगरी चूज करो, उसके 3 sets लगाओ 6 से 10 reps के बीच में और जिस दिन आपको एक पर्टिकुलर वेट के साथ 10 10 10
ऐसे तीनों सेट्स में 10 रेप्स मिल जाते हैं, आप अगली बार थोड़ा सा वेट बढ़ा सकते हो। इट इज दैट सिंपल। लेट्स से 50 केजीज लैट पुल डाउन पे मुझे आज 10 9 8 रेप्स मिलते हैं, तो अगली बार मैं 10 9 9 करने की कोशिश करूंगा। फिर नेक्स्ट ट्रेनिंग डे पे मे बी वो नंबर्स 10 10 9 हो जाएंगे। ऐसे करते करते, वो लैडर क्लाइंब करते करते हम पूरे साल भर प्रोग्रेस बना सकते हैं। मे बी अगर आपको विजुअल चेंजेस बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, तो मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ कि पर्पसफुल ट्रेनिंग और पेशेंस के साथ आप अगले 12 महीने में अगर अपने वर्कआउट्स अच्छे से ट्रैक करोगे, तो स्ट्रेंथ बढ़ाने पर धीरे धीरे वर्कआउट्स में प्रोग्रेस करने से आपके फिजिक में वो सारे स्ट्रेंथ चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे। प्रोग्रेस ट्रैक करने से मुझे एक गोल मिलता है। इट गिव्स ईच ट्रेनिंग सेशन पर्पस एंड इंटेंट। आई विश मैंने ये थोड़ा सा पहले सीखा होता। लेट मी नो अगर आपने ये गलती की है। आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो या आपके एग्जाम्स चल रहा है और आपको डीप डाउन पता है कि अगले कुछ हफ्ते थोड़े बहुत बिजी होने वाले हैं। आपको पता है कि आप अपने यूजुअल रूटीन के मुताबिक जिम पे कमिट नहीं कर पाओगे। मे बी आप उस हफ्ते में सिर्फ 2 या 3 बार जिम जा सकते हो। येट हम उन हफ्तों में एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हमारा जो एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग रूटीन है, हम वही ट्रेनिंग रूटीन फॉलो करते हैं। मे बी हम उस बिजी हफ्ते में सिर्फ चेस्ट या सिर्फ पुश ट्रेन करते हैं। अब ये गलत नहीं है, पर मेरे पास एक थोड़ा सा स्मार्टर अप्रोच है। हमें ये पता है कि मसल ग्रोथ मैक्सिमाइज करने के लिए हमें एक पूरे हफ्ते में हर मसल ग्रुप को कम से कम 2 बार ट्रेन करने की कोशिश करनी चाहिए। इस प्रिंसिपल को दिमाग में रखते हुए वो बिजी हफ्ता शुरू होने के पहले मैं अपनी ट्रेनिंग को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मैं जुलाई 2022 में 8 दिनों के लिए वियतनाम गया था। जब मैं घर पे रहता हूँ तो मैं यूजुअली एक पूरे हफ्ते में 6 बार ट्रेन करता हूँ और एक लेग्स पुश पुल टाइप का ट्रेनिंग स्प्लिट फॉलो करता हूँ। अब मुझे ये बात फुल्ली पता थी कि ट्रैवल करते वक्त, एक नई कंट्री को एक्सप्लोर करते वक्त हफ्ते में 6 बार जिम में डेडिकेट करना, ये बहुत ही अनरियलिस्टिक है। निकलने से पहले मैंने अपनी आइटनरी देखी और मुझे ये पता था कि मंडे और थर्सडे को मुझे ट्रेन करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। वो ऐसे 2 दिन थे जहां पर मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम था, इसीलिए पता है मैंने क्या किया? मैंने उन 2 दिनों पे सिर्फ चेस्ट या सिर्फ आर्म्स नहीं किए, मैंने इन प्रिंसिपल्स को दिमाग में रखा और उन 2 ट्रेनिंग डेज पे 2 फुल बॉडी वर्कआउट्स लगाए। सिंपल। इससे आई मेड श्योर कि मैं हर मसल ग्रुप को उस हफ्ते में 2 बार ट्रेन कर रहा हूँ एंड आई एम डूइंग एवरीथिंग आई कैन टू मेक श्योर कि मेरे सारे प्रिंसिपल्स ठीक है। मैंने उन 6 बेसिक मूवमेंट पैटर्न्स के सारे कैटेगरी से एक एक एक्सरसाइज चूज की और मैंने 3 सेट्स लगाए फॉर 6 to 10 reps। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ जहां पर मेरी वीकली ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग चेंज होती है। पिछले हफ्ते मैं मुंबई गया था सैटरडे और संडे को। वो हफ्ता शुरू होने के पहले मुझे ये बात पता थी कि मैं वीकेंड को ट्रेन नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैंने फैसला लिया कि उस हफ्ते मैं सिर्फ 4 बार ट्रेन करूंगा और मैंने मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे इन 4 दिनों पे ट्रेन किया और मैंने उस हफ्ते के लिए एक अपर लोअर स्प्लिट फॉलो किया, इंश्योरिंग कि मैं हर एक मसल ग्रुप को उस हफ्ते में 2 बार ट्रेन कर रहा हूँ। इससे मैंने कोई भी बॉडी पार्ट उस हफ्ते में स्किप नहीं किया और स्मार्ट ट्रेनिंग करने की वजह से आई डिडंट लूज आउट ऑन एनी प्रोग्रेस। सो इम्पोर्टेंट टेक अवे ये है कि आपको खुद को क्वेश्चन करना पड़ेगा कि आप रियलिस्टिकली एक हफ्ते में कितने बार जिम जा सकते हो। अगर आप एक हफ्ते में सिर्फ 3 बार जिम जा सकते हो तो दैट्स ओके। आप मंडे वेनेसडे फ्राइडे या ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे एक फुल बॉडी वर्कआउट लगा सकते हो। ट्रस्ट मी, आप तभी भी 99% गेन्स बनाओगे। मैं फुल्ली अवेयर हूँ कि सब लोग एक पूरे हफ्ते में 5 या 6 बार जिम नहीं जा सकते। अगर आप एक बहुत बिजी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो या अगर आपका ऑफिस का शेड्यूल बहुत हेक्टिक होता है, तो मैं बस चाहता हूँ कि आप प्लीज डीमोटिवेटेड मत होना क्योंकि आप जिम सिर्फ एक्स टाइम जा सकते हो। लाइफ हमारे ऊपर जो भी स्ट्रेसर्स फेंकती है वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। मे बी एक हफ्ता आइडियल होगा पर दूसरा नहीं, पर हमारे कंट्रोल में ये चीज जरूर है टू कीप लर्निंग एंड टू मॉडिफाई आवर ट्रेनिंग स्ट्रेटेजिकली। मेरे ऊपर विश्वास रखो, अगर मैं ये सारी चीजें कर सकता हूँ और सीख सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। सो इन 3 बेसिक ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स को दिमाग में रखो एंड गो मेक गेन्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर छोड़ देना और ये वीडियो किसी भी दोस्त के साथ शेयर करना हु यू थिंक विल नीड दिस इन्फॉर्मेशन। मैं मिलूंगा आप लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो में।